यूपी के सीतापुर में करीब 40 से 50 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। दरअसल एक समारोह में खाना खाने के बाद सभी की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। डॉक्टर का कहना है कि महमूदाबाद में एक समारोह में खाना खाने के बाद ये लोग अचानक बीमार हो गए। सभी को तुरंत अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया। महमूदाबाद के शहर में मोहल्ला भट्टे में एक दावते वलीमा का प्रोग्राम था, जिसमें खाने में कुछ गड़बड़ी हुई है, उसकी वजह से सब लोगों को फूड पॉइजनिंग हुई है, जिसमें अस्पताल में लगभग 40 से 50 लोग उल्टी, दस्त, पेट में दर्द, ये सब कंप्लेन लेकर के यहाँ पे आए हुए हैं। महमूदाबाद के मोहल्ला भट्टा में एक रिसेप्शन का कार्यक्रम था, जिसमें बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक शामिल हुए थे। लोग खाना खाने के बाद एक के बाद एक धीरे धीरे बीमार पड़ते गए। उनको तुरंत CHC में भर्ती किया गया। एमरजेंसी वार्ड के डॉक्टर अनवर ने कहा कि रात को करीब 11 बजे उनके पास पहला मरीज पहुंचा था। धीरे धीरे बड़ी संख्या में लोग उनके पास पहुंचते गए। आधी रात को बड़ी संख्या में मरीजों के वहां पहुंचने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। कम जगह होने की वजह से एक बेड पर दो लोगों को इलाज दिया गया। सभी को फूड पॉइजनिंग हुई थी। डॉक्टर ने कहा कि सभी का इलाज ठीक से किया गया है, उनकी हालत भी ठीक है। हमारे वीडियो को लेकर आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।